Assalamualaikum, it's me Shoaib Baloch and I welcome you to my YouTube channel. आज एक बहुत अच्छी सी फ्रेश सी मॉर्निंग लग रही है बिकॉज ऑफ के आप मंडे, क्योंकि आप जब वीकेंड से आते हैं सॉरी फॉर दिस नॉइज़ डिस्टर्बेंस, तो आप बहुत फ्रेश फील करते हैं क्योंकि आप एक लंबी सी छुट्टी से आए हुए होते हैं, तो इतना फ्रेश भी नहीं होता। दो दिन आप रिलैक्स करते हैं और फिर आप जब मंडे को आते हैं तो यू फील वेरी एनर्जाइज और फ्रेश। तो आज से हमारा ग्रेजुएट्स वीक स्टार्ट हो रहा है हमारी यूनिवर्सिटी में। कल हमें नोटिफिकेशन रिसीव हुआ था और उसमें हर डे का एक अपना प्लान होता है, कोई फूड डे होता है, कोई डिफरेंट चीज़ें हो रही होती हैं सारी वीक में। तो आज का जो दिन है उसमें हमारा है कलर डे। तो कलर डे में ये होता है कि हर डिपार्टमेंट एक अपना कलर चूज़ करता है, फिर वो उसी कलर का सभी उस डिपार्टमेंट के लोग, चाहे वो किस भी ईयर से हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो वही ड्रेस को पहन कर आते हैं एक कलर सेलेक्ट करके। तो हमारा जो आज का कलर है वो है, यू कैन सी मैंने क्या पहना हुआ है, ब्लैक। और 2019 में जब हुआ था ग्रेजुएट्स वीक, तब भी ये ब्लैक ही था, ब्लैक कलर उन्होंने सेलेक्ट किया। तो मैंने कमेंट किया इनको कि इस बार कुछ चेंज कर दें, लेकिन उन्होंने सुनी नहीं मेरी, ब्लैक ही रखा उन्होंने। तो आई होप कि 2019 में तो बड़ा अच्छा सेलिब्रेट हुआ था पूरा ही वीक, लेकिन 2020 में नहीं हुआ था सेलिब्रेट बिकॉज ऑफ COVID-19 प्रिकॉशंस की वजह से। तो इस साल भी आई होप कि बहुत अच्छा है, हम सेलिब्रेट कर पाएंगे। तो आई बी की showing you people, keep watching. TikTok नहीं बना रहा, आई एम मेकिंग वीडियो फॉर माई YouTube चैनल। ही इज़ एट शाम, इसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ ऊपर से शेड आ रहा है। एंड ही इज इद्रीस, हेलो, इसका भी नज़र नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ की कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट ऑब्वियसली मेरा तो आएगा। सो जिस तरह मैंने आपको कहा कि आज एक ब्लैक हमारा जो थीम है, आप देख सकते हैं वो लड़कियाँ भी यू नो ब्लैक ड्रेस एंड रेड स्कार्फ के साथ आई हैं। यहाँ भी अनीस आपने ब्लैक नहीं पहना हुआ, भाई क्यों? आपको नहीं पता आज ब्लैक, आपको आपने आज ब्लैक पहनना था। ओ मास्क तो उतारो ना। आई डोंट रीड सच सॉर्ट ऑफ थिंग्स इन ग्रुप। हालांकि तुमने ही भेजा था मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, मैंने वो प्रेजेंटेशन का इससे नहीं पहना। इसने और इद्रीस ने ब्लैक नहीं पहना, बाकी आई एम एक्सपेक्टिंग के एहतशाम की तरह और लोगों ने भी बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं गर्ल्स ने भी ब्लैक और रेड पहना हो। वी आर वेटिंग फॉर ना, हम वेट कर रहे हैं ना कि और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो क्या पहन के आते हैं। वी आर वेटिंग। और बैकग्राउंड में लड़कियां भी देखो ब्लैक और रेड पहन के आए। तुमने भी बनाई है भाई, बहुत तंग किया है इसने मुझे कि तुम्हारी कैमरा अच्छी है फोन का, मेरी बनाओ। वो तो भैया आते ही नहीं, हम तैयार होके पढ़ेंगे। मैंने सुबह पढ़ा हुआ है भाई, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है मैंने। मेरा एक ही टॉपिक है प्रीव्यू ऑफ वो थ्योरी। तुम्हारा नहीं। अब तुम्हें आज असाइन होगा टॉपिक, है ना? इसको आज मिलेगा टॉपिक, नहीं तो मैं दिलवाऊंगा जबरदस्ती भाई ये भी करे परफॉर्म। सो ही इज तोराब ऑफ आवर क्लास। तोराब हाउ आर यू? मिल नहीं रहे हो, मिलना भी भूल गया भाई, इतना अच्छा लग रहा है ये मिलना भी भूल गया। हमारी क्लास का सबसे अच्छा बच्चा है शरीफ। तो हाउ आर यू फीलिंग ऑन ग्रेजुएट्स डे? रोज तैयार होके आओगे पूरा वीक? ये तो रोज तैयार होके आते हैं, नए तो रोज तैयार करते। वैसे पता है मैंने कल रात ना मैं सोच रहा था कि मैं इसकी मिमिक्री करूं। मैं रात सोच रहा था एक ही इसका मैंने डायलॉग नोट किया जब प्रेजेंटेशन का आता है ना, तो ये सर बताया प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, बहुत फास्ट में ये भी आ गया। ही इज माय मोटिवेशन बेसिकली। इसने मुझे कहा था भाई सभी YouTube चैनल बना रहे हैं, सबने स्टार्ट कर दिया और तुम 3 साल से कह रहे हो कि मैं बना रहा हूँ, बनाओ। फाइनली आई एम मेकिंग द वीडियो फॉर माय YouTube चैनल। मैंने इसे मना किया था, सरफराज नो ही इज माय मोटिवेशन। सरफराज
इनकी सुन लो भाई, कोई नहीं सुनता। सरप्राइज पोएट्री, पोएट्री लिखते हो? लिखता नहीं बस पढ़ता हूँ। पढ़ता बहुत है भाई, याद हो अभी ब्लैक फेस पे कुछ शेर सुना दो, जिस तरह हमारा आज ब्लैक थीम है ना, आज इस पे कुछ शेर सुना। आज 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 हम सवर के आए हो तो मैं एक शेर सुना देता हूं। आज हम ब्लैक सॉन्ग, ब्लैक ड्रेस पे सॉन्ग इधर लाओ। एक मंताज बुलाएगा गाना है ये जी ये जी ये हां, पूरे रास्ते में यही गाने गाते आए हैं। हां बताओ, स्टार्ट करने दो। ਹੋਇਆ ਤੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੰਗੇ ਵਿਆਸਾ ਮਹੋ ਕਰ ਦੋ ਲਹੇ ਦਤੋ ਬਾਬਾ ਹਾਰੇ ਪਾਤੋ ਆ ਲਹੇ ਨਾ कहा तो नहीं ना सिंधी में हम गाना मतलब नहीं उतर रहा है, पैन तो लिया ब्लैक कर, लेकिन अब उतार नहीं सकते हम। कोई और बताओ ना, उर्दू में बताओ कोई शेर। हाँ, ये खुश लिबास ही लिबादा है गम छुपाने का। वाह वाह क्या बात, ये खुश लिबास ही लिबादा है गम छुपाने का। अगरचे सजे हुए हैं मगर चे उजड़े हुए हैं। वाह बस खत्म हो गया, मैंने सोचा शायद और भी हमारी जिंदगी उजड़ देंगे, उजड़ने पे खत्म हो गई। अब उजड़ने के बाद कैसे कैसे लोग रहते हैं, कंटिन्यू नहीं कर सकते हम इसको। उजड़ने के बाद अगर कुछ हम बनना चाहें, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हमारी हालत नहीं है अभी, फिलहाल उजड़ी हुई हालत में है। एग्जाम इसके आपको 5 marks मिलेंगे। मैं ये सेंसर कर दूंगा, हाथ देखिए, आपसे माधुर चाहता हूँ, हमसे गलती हो गई है। बड़े बदतमीज बच्चे हैं भाई, टीचर्स की कॉपी कर रहे हैं मिमिक्री। वेल होना चाहिए, वो अलाउ करते हैं हम, फेयरवेल के दिन वो करते हैं कि आप अच्छा, इनको बताया कि हमने ब्लैक ब्लैक क्यों पहना। हाँ मैंने बताया, हमारी जो है ना, हमारा फ्यूचर भी ब्लैक है, हमारी जिंदगी ब्लैक हो चुकी है, हमारे चेहरे ब्लैक है, डार्क सर्कल हो चुके हैं, इसलिए आज हमने थीम भी जो है ना ब्लैक रखा है, डार्क सर्कल, क्योंकि ब्लैक से आगे हम कुछ सोच नहीं सकते, इसलिए काला काला है। वैसे हमारे जो सर के बाल हैं वो भी काले, लेकिन हमारा सर तो खत्म होता जा रहा है, व्हाइट होता जा रहा है साड़ी पर मैं। ये भाई बहुत लोगों ने गाया है, लेकिन अफशान ज़ेबी इज़ द बेस्ट, उसने बहुत अच्छा गाया है ये काला जोड़ा, मुझे वो बहुत पसंद। एक लाइन से मुझे उसको इख्तलाफ है कि वो कहती है ना, ए रंग कभी नहीं हो पाता, आगे नहीं आजमाया, और आज काला जोड़ा पास साड़ी पर बैठे। हां मैं उसको कहना चाहूंगा कि भाई हमने ब्लैक के अलावा कुछ पहना ही नहीं है, हम तो पहनते ही ब्लैक है, हम खुद भी ब्लैक है, फ्यूचर भी ब्लैक, प्रेजेंट पास सब कुछ ब्लैक है। इंशाल्लाह आप ब्यूटर ब्राइट बनाएंगे। इस YouTube चैनल की जो प्रेजेंटेशन थी वो कैंसिल हो गई फॉर्चुनेटली, बिकॉज सर ने कहा कि आपकी एक और क्लास है आप वो जॉइन कर लें, तो हमारी वो प्रेजेंटेशन कैंसिल हो गई। लेकिन वो अभी कब होता है और सरप्राइज, एंड वी आर वेटिंग फॉर टीचर। एक मिनट यहाँ सुबह के टाइम क्या होता है, सुबह कराटे में सुबह उठना, सर्दी में अभी क्लास नहीं हुई, प्रेजेंटेशन कैंसिल के थर्सडे को हम लेंगे, वेट कर रहे हैं, ठीक है वेट क्लास में नहीं आया, 11 बजे हमारी क्लास थी, अब तक 12 बजने वाले, पता नहीं क्लास होगी या नहीं होगी, यही वन शुड पंचुअल। कभी कभी स्टूडेंट्स भी लेट हो जाते, लेकिन एटलीस्ट टीचर को पंचुअल होना चाहिए और बताना भी चाहिए कि लेट आएंगे, उसी हिसाब से कादर भी खुल रहा है ऐसा ऐसा भाई। क्या ये देखो भाई, वी आर व्हाट डू वांट टू से, मैं ये बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप देख रहे हैं कि सारे ब्लैक कलर में आए हैं और ये सोग मना रहे हैं, पता नहीं सोग नहीं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, सोग मना रहे हैं, हम अपना वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, साइन है ना ये, तो सोग मुझे बोल रहे हैं, पता है तुम्हें समझ जाना चाहिए, वो सब हम भी ब्लैक पहन के तुम बोल रहे हम सूट मना रहे हैं, ये तो पक्का आशगी ये तो मना रहा होगा भाई सोग, हम आपके साथ हैं सोग मनाएंगे आपके साथ, ये नहीं मनाता सोग, ये बिल्कुल सफेद है, वो फरिश्ता हो क्या, क्या अंदर डूबा हुआ है, अंदर डूबा हुआ काशिफ से समथिंग, क्या कहना चाहते हो यार, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप बोलो, पेपर धोने वाले हैं, हां करो पेपर, कैरी करो, अच्छा नशा करके नहीं आया तुमने,
बात नहीं कर सकते हो, वैसे तो तुम चिक चिक करते रहते हो कैमरे के सामने। ये पूरा दिन बकवास करता है पूरी क्लास में, लेकिन अभी एक्चुअली इस कैमरा का इसका दोष नहीं है। जो सॉरी इसकी कोई गलती नहीं है, दोष में क्या हिंदी बोल रहा हूँ। मैं बहुत दूर बैठा हूँ सो इनकी आवाज़ में एक्चुअली सुन नहीं सकता हूँ। पर्सनालिटी ऑफ आवर क्लास नदी, अभी भी इसको पढ़ने की वो टेंशन पड़ी हुई है कि मैम आ रही है वगैरह वगैरह। भाई मैम आ गई, अब देखना कितनी स्टूडेंट्स में वो हलबुरी मच गई। भाई सर फहीम की, सर अंजलि की, टीचर की।
व्हाट यू राइटिंग. लिखो इसे कंप्लीट करो. न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता. पूरा दिखाओ ना, कहाँ लिखा है पूरा. डुबोया मुझको होनो ने, न होता मैं तो क्या होता. बस यही लिखा हुआ है. लिख रहा हूँ अभी, प्रोसेस में. मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी.